हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू नीट नाउ। सॉल्व अलोंग सीरीज में हम सॉल्व कर रहे हैं अपना चैप्टर प्लांट किंगडम डाइवर्सिटी फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड से, और पिछले से कंटिन्यू करते हुए आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, अ प्लांट दैट हैज सीड्स बट नो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी कि ऐसा प्लांट जिसमें सीड्स तो हैं लेकिन कोई फ्लावर्स या कोई फ्रूट्स नहीं है, तो ऐसा प्लांट कौन सा है? ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, मॉसेस या फिर टेरिडोफाइट। अगर हम बात करें ऐसे प्लांट की कि जिसमें सीड्स देखे जाते हैं लेकिन फ्लावर्स और फ्रूट्स ही नहीं होते, तो हाँ थोड़ा सा अचंभित करने वाला है, बट इसका करेक्ट आंसर है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जिनको हम कहते हैं नेकेड सीड्स, वो इसीलिए हैं क्योंकि वहाँ कोई फ्लावर्स नहीं है, कोई फ्रूट्स नहीं है। तो ये आपको रिलेट करने में काफ़ी इजी रहेगा और आप आराम से इसका आंसर लिख पाएंगे। सो जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स दैट डू नॉट हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बट दे डू हैव सीड्स। क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स आर, मतलब नीचे में से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट है। प्रिमिटिव यानी कि बहुत टाइम से पहले से, जैसे इवोल्यूशन होते आया है, सो पहले जो कुछ स्टार्टिंग वाले थे उनमें से वैस्कुलर प्लांट कौन सा है। वैस्कुलर प्लांट मतलब उसमें जाइलम या फ्लोएम या दोनों कैसे भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शंस ये हैं, मॉसेस, साइकेट्स, केल्प्स और फर्न्स। टेरिडोफाइट से फर्न्स सबसे प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जो वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो फर्न में पाए जाते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स एंड हेंस योर ऑप्शन इज ऑप्शन डी, फर्न्स। क्वेश्चन नंबर 13, विच प्लांट किंगडम कैन सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि ऐसा कौन सा प्लांट किंगडम है जो कि पानी में भी रह सकता है और मिट्टी में भी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उसका आंसर है सीधा सीधा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये लैंड पे भी रह लेते हैं और ये वाटर में भी, दे आर एक्वेटिक एज वेल एज दे आर टेरेस्ट्रियल। सो हेंस ऑप्शन डी, ब्रायोफाइटा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज विदाउट एन एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म्स, यानी नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ये इनमें से कोई एक चीज़ ऐसी है बिना किसी एक्सेप्शन के एंजियोस्पर्म्स में देखी ही जाती है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है? डबल फर्टिलाइजेशन, यस एंजियोस्पर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक है डबल फर्टिलाइजेशन। सेकेंडरी ग्रोथ सब में नहीं होती है। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, अगेन कुछ में होते हैं कुछ में नहीं। एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कुछ एंजियोस्पर्म पैरासाइटिक भी होते हैं। सो वी कम टू द कंक्लूजन कि आपका ऑप्शन ए डबल फर्टिलाइजेशन इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होना ही होना है। क्वेश्चन नंबर 15, टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम मॉसेस इन, मॉसेस बिलोंग टू ब्रायोफाइट्स, तो टेरिडोफाइट्स मॉसेस से कैसे डिफर करते हैं? इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है उनमें, डिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है, फ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट स्पोरोफाइट। सबसे पहले तो समझ लें कि अगर हम बात करें हैं टेरिडोफाइट्स, वहाँ आएंगे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट और डोमिनेंट कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। एंड वही चीज़ एग्जैक्टली उल्टी होती है मॉसेस केस में। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, जहाँ पे हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट स्पोरोफाइट, और जिसकी वजह से टेरिडोफाइट्स डिफर करते हैं मॉसेस से। क्वेश्चन नंबर 16, एंजियोस्पर्म्स आर द डोमिनेंट फ्लोरा बिकॉज ऑफ, यानी कि एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो डोमिनेंट फ्लोरा क्यों हैं, वो सबसे ज़्यादा जितने भी प्लांट्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा डोमिनेंट क्यों हैं, क्या रीज़न है? फर्स्ट, डोमेस्टिकेशन बाय मैन, मैन ने उनको डोमेस्टिकेट किया है। डोमेस्टिकेट यानी कि टेम करना, या फिर उनको बहुत ज़्यादा यूज़ में लाना, या फिर उनका एक तरीके से जैसे पालना उनको, यानी कि मैन उनकी देखभाल कर रहा है, लेकिन ये हर एक के लिए ट्रू नहीं है। पावर ऑफ अडैप्टिंग इन डाइवर्स हैबिटेट्स, अगर मैं बात कर रही हूँ एंजियोस्पर्म्स की, वो एक्वेटिक हैबिटेट में भी हैं, टेरेस्ट्रियल में भी हैं, इवन एक्सट्रीम में भी पाए जाते हैं, एंड दिस इज़ द रीज़न कि वो डोमिनेंट फ्लोरा है।
हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए जो इनकी पावर ऑफ अडेप्टिंग है वो रीज़न है। सेल्फ पॉलिनेशन प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स नहीं, मेजर रीज़न है जिसकी वजह से एंजियोस्पर्म्स हर जगह हैं वो यही है कि पावर ऑफ अडेप्टिंग इन डाइवर्स हैबिटेट्स, अलग अलग तरीक़ों के हैबिटेट में ये रह लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए हर जगह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स आर ग्रुप्ड अंडर, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि स्पोर्स के थ्रू ग्रुप किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ब्रायोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स, क्रिप्टोगैम्स या थैलोफाइट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है सी, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में वो हर एक प्लांट आ जाएगा, वो सारे प्लांट्स आ जाएंगे जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स से, यानी कि प्लांट्स हु रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स आर नोन एज क्रिप्टोगैम्स। सीधा सीधा आंसर है, बहुत इजी भी है, आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस यही कि जो भी प्लांट्स स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं क्रिप्टोगैम्स। प्लांट्स दैट पोजेस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो बट लैक वैस्कुलर टिश्यू एंड सीड्स आर, यानी कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनमें स्पोर्स और एम्ब्रियो तो है लेकिन वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, रोडोफाइटा नहीं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फियोफाइटा। अगर मैं बात करूँ वैस्कुलर सीड्स और वैस्कुलर टिश्यूज और सीड्स ना होने की, तो वो सिर्फ एक है इनमें से, वो है ब्रायोफाइटा। इसमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन जिसमें वैस्कुलर टिश्यूज और सीड्स दोनों एब्सेंट होते हैं लेकिन स्पोर्स और एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, वो है ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा। अगर हम बाकी में देखेंगे हर एक में वैस्कुलर टिश्यू है लेकिन सिर्फ ब्रायोफाइटा ऐसा है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू भी एब्सेंट है और सीड भी आपका। क्वेश्चन नंबर 19, प्लांट्स हैविंग वैस्कुलर टिश्यू विदाउट सीड्स। पिछले में हमने देखा कि वैस्कुलर टिश्यू भी नहीं था, सीड भी नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि वैस्कुलर टिश्यू तो है लेकिन सीड नहीं है, सिर्फ सीड नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर है आपका टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यू होते हैं लेकिन सीड्स नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जाइगोटिक मियोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अगर आपने प्लांट किंगडम ठीक से पढ़ लिया है जैसे कि मैं कहती आ रही हूँ, इसका आंसर आपको एक लाइन में मिल जाएगा और वो है क्लैमिडोमोनस, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसमें जाइगोटिक मियोसिस कैरेक्टरिस्टिक है, यानी उसकी वो पेक्यूलियर प्रॉपर्टी है, उसकी वो पहचान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने 20 क्वेश्चंस ख़त्म कर रहे हैं, दीज आर आवर 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दूसरे 10 क्वेश्चंस। थोड़ी तैयारी करके आइए ताकि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ आप भी करें, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है, आप भी कंटिन्यू करिए। नाउ एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी ही मैं इसके कुछ शॉर्ट नोट्स आपको बना के दूंगी, तो अगर आपने हमारे फेसबुक पेज पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे हमको फॉलो नहीं किया है प्लीज़ वहाँ पे आ जाइए, क्योंकि ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप तक पहुँच सके। तो देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।